हेलो फ्रेंड्स, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के थ्रू हम किस तरह से निकालते हैं। तो हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम ने हमें बोला द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, हमने मान लिया उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इसकी लेंथ ली है हमने एल। ठीक है, तो पहले गॉस लॉ देखो क्या था, फाइ ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्साइलन नॉट। क्यू आ गया टोटल चार्ज जो इस पे। ठीक है, और हमने मान लिया ये जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के, तो क्यू बाय एल के इक्वल ही आ गई। अब देखो सबसे पहले क्योंकि गॉस लॉ जो है, गॉस थ्योरम जो है, इट इज वैलिड ऑनली फॉर क्लोज सर्फेसिस, तो इसको क्लोज सर्फेस बनाना है। तो पहले देखो हमने क्या करना है, यहां पे एक सोच समझ के, ठीक है, एक यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म गॉसियन सरफेस बनानी है। तो देखो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट से बाहर की तरफ होगा, बिल्कुल क्लोज होगा, ये मैंने दूर दूर बनाया है, तो यहां से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे ये वायर है, यहां से बाहर की तरफ होगा, यहां से इस तरफ बाहर होगा, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ। तो ध्यान से देखें तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किस तरह से बनेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो वो स्फेरिकल होता। अब क्योंकि एक लाइन चार्ज है जिसमें कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ये बन जाएगा सिलेंड्रिकल, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमने देखा एक कंटिन्यूअस लाइन चार्ज, उसकी वजह से गॉसियन सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल। तो बना दो, ये गॉसियन सरफेस आ गया इसका। ठीक है, और ये जो सिलेंडर आया इसका रेडियस हमने ले लिया आर। अब देखो अप्लाई करते हैं यहां पे गॉस थ्योरम। तो पहले हम लेंगे ये वाला पार्ट, देखो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यहां पे ध्यान से देखो हमारे पास तीन सरफेसेस बन रही है, जैसे ये मार्कर, ठीक है, ये भी सिलेंड्रिकल है, तो तीन जो है हमारे पास सरफेसेस है, एक ही अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस और ये कर्व सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस से जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा अपवर्ड्स हो, यहां से बाहर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ। ठीक है, तो हर एक सरफेस से जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल होता है, यहां से ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ, और जहां से मर्जी देख लो बाहर की तरफ होगा। तो तीन सरफेसेस लो, फर्स्ट इसको मान लो, सेकेंड इसको और थर्ड इसको। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बाहर को, यहां पे भी बाहर को, यहां पे भी बाहर को, इसको लिख दो E1 वेक्टर, ये आ गया E2 वेक्टर और ये आ गया E3 वेक्टर। यहां का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हमने देखा, ठीक है, ds1 वेक्टर, ये नीचे की तरफ ds3 वेक्टर, और ये जहां से भी ले रहे हैं वहां से बाहर की तरफ, यहां पे ले लो जाए तो ये आ जाएगा हमारा ds2 वेक्टर। अब देखो ये किसके इक्वल आया, अब ये जो क्लोज सरफेस है इसको ओपन कर लिया हमने, तो ये आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो E1, E2, E3 की जगह सिंपली E ही यूज करेंगे। तो E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर और ये E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। फर्स्ट केस में देखो एरिया एलिमेंट और E वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये आया EDS1 cos 90 डिग्री। दूसरे केस में सेम डायरेक्शन,
ई डी एस टू कॉस जीरो डिग्री। और थर्ड केस में देखो ये फिर से बन रहा है यहां पे परपेंडिकुलर, तो ई डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री। अब देखो कॉस 90 डिग्री, ये भी कॉस 90 डिग्री, ये तो जीरो हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा ई डी एस टू कॉस जीरो डिग्री वन, तो ये आ गया ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू, इसको लिख दो थर्ड इक्वेशन। अब देखो फाइव ई इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू थी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करो तो ये आएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट करो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू, डी एस टू क्या है, एक एलिमेंट है जो कि कर्व्ड सरफेस पे लाई कर रहा है, डी एस टू एक एलिमेंट है जो कर्व्ड सरफेस पे लाई कर रहा है, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो देखो E इंटू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, एल आ गया इसकी लेंथ, आर आ गया इसका रेडियस, इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E वेक्टर जो है, E जो है किसके इक्वल आया, 1 बाय 2 पाई आर एल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमने देखा क्यू बाय एल जो है लैम्डा के इक्वल है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से आई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा है यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइन चार्ज की वजह से वेरी करती है एज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वैनिश करेगी, जबकि हमने पॉइंट चार्ज के केस में देखा था, पॉइंट चार्ज के केस में था ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो फाइनल फॉर्मूले हैं ये भी हमने ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से हमने देखा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला ई इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा अगर मान लो ये पॉजिटिव की जगह हमें नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, एक नेगेटिवली चार्ज वायर है, तो क्या होगा, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव होता तो ये अंदर की तरफ हो जाती, तो यहां पर एंगल क्या बन जाता, एंगल जैसे हमने जीरो डिग्री लिया यहां पर, ये तो 90 रह, ये जो जीरो डिग्री था ये बन जाना कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन होती, डीएस टू की ये डायरेक्शन होती, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये होता अंदर की तरफ, तो यहां पे आ जाता कॉस 180 डिग्री और जो फाइनल रिजल्ट है बस यहां पे माइनस आ जाना था। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज की वजह से कैसे होता है, हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना है, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अच्छे से क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक करो वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, थैंक यू।